अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में रिजल्ट आया है और अभी काउंसलिंग चल रही है हिंदुस्तान के अलग अलग कॉलेजों से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन से बेहतर कॉलेज हैं, किस काउंसलिंग का कौन सा फॉर्म निकला है। तो मैं उससे संबंधित आज एक आपको इंट्रोडक्टिव और नीट से संबंधित सूचनाओं का एक सेशन रखा है जिसके अंदर अपन ये जानेंगे कि कौन से हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेज हैं, कितने मेडिकल कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रिफ्रेंस देनी चाहिए, कौन से को बाद में देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो जो इस बार जो नीट की काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर बेहतरीन कॉलेजों में से 181 मेडिकल कॉलेज हैं जिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 37 डेंटल कॉलेज हैं जो नीट की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के इतने सारे कॉलेज एक साथ में मिलकर काउंसलिंग कराएंगे जिनमें से बेहतर रैंक वाले जो सबसे पहले रैंक जिनकी होगी उनको एडमिशन अच्छी सीटों पे पहले की सीटों पे दिया जाएगा और उसके बाद में जो जो नीचे जाएंगे तो उसके बाद में मेडिकल की जितनी सीटें फिल हो जाएगी उसके बाद में डेंटल की सीटें फिल की जाती है जी, अकॉर्डिंग टू प्रिफ्रेंस इनको प्रीफर किया जाता है। तो अभी जो काउंसलिंग के लिए कई जगह कई स्टेट के अंदर स्टेट काउंसलिंग स्टेट जो हैं वो भी अपने स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे भी कई जगह करवाया जा रहा है जैसे आसाम, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु, केरला, मणिपुर के अंदर भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। इसके अलावा मेघालय, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी, ये इन सभी राज्यों के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। एमपी के अंदर तो फर्स्ट जो लिस्ट भी आ चुकी है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर ओपन हो चुका है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, अभी यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुए हैं, इनमें भी आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और स्टेट काउंसलिंग भी शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो सेंट्रल के अंदर एडमिशन ले लेंगे, जो सेंट्रल की सीट से वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो फिर हम स्टेट में एडमिशन कैसे ले पाएंगे, अभी पहले काउंसलिंग उनकी है। तो आप पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बेहतर जो कॉलेज हैं आपको अच्छे कॉलेज लग रहे हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए और उनकी जो फर्स्ट अच्छी चॉइस है उनको फर्स्ट चॉइस के अंदर फिल कीजिए। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप दूसरी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर लीजिए। सेकंड काउंसलिंग में भी आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको सीट अलॉट हो चुकी है उस कॉलेज को छोड़ के बाकी सभी कॉलेजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में और आपको उनमें से कॉलेज मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी बच्चे का एडमिशन हो चुका है सेकंड काउंसलिंग के अंदर लेकिन उसके बाद में स्टेट की जो काउंसलिंग होगी वो बाद में हो रही है, जिसके अंदर बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे तो सेंट्रल की काउंसलिंग के अंदर नहीं जाना है और मेरा स्टेट होम स्टेट है इसलिए मुझे अपने होम स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो मुझे बेहतर कॉलेज मिल रहा है अपने होम स्टेट के अंदर स्टेट कोटे के थ्रू, तो मैं सेंट्रल की काउंसलिंग से अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। तो उसमें आपको जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, फी और डॉक्यूमेंट जब डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक प्रोविजनल लेटर दिया जाएगा, उस प्रोविजनल लेटर के आधार पर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको स्टेट में फिक्स सीट मिलती है तो आप सेंट्रल के जो मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर से जहाँ पे आपको पहले सीट अलॉट हुई थी उसको आप छोड़ के उसकी जगह आप स्टेट के अंदर आ सकते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको फ़ी लौटा दी जाएगी। तो ये और आपको स्टेट के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आप सभी जो स्टेट की और सेंट्रल की जो काउंसलिंग है काउंसलिंग जाना हो रही है उसमें सभी में पार्टिसिपेट कीजिए। आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए, ये मत सोचिए कि मार्क्स ज़्यादा हैं। कई बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर मेरे 550 मार्क्स हैं, मेरे 600 मार्क्स हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने आपको श्योर ये मान के चलिए जिन बच्चों के 500 हैं और जिनके जनरल कैटेगरी है तो उनको कॉलेज मिलने के 100% चांस है। भले ही अभी आपको कॉलेज मिले या नहीं मिले लेकिन आपको 3 महीने बाद में तक ये काउंसलिंग चलती रहेगी जब तक आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी आप पेशेंस रखिए शुरुआती दिनों के अंदर, अभी थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। अगर अभी अपन ये जल्दबाजी करना शुरू कर देंगे कि अभी काउंसलिंग के अंदर अपने को सीट नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। अभी आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर सभी एडमिशन लेने के लिए जुट रहे हैं, अगर फर्स्ट में एडमिशन में सीट अगर नहीं मिल पाती है तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, सेकंड में भी नहीं मिल पाती है तो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको सीट अवश्य मिलेगी। और स्टेट के अगर सेंटर में नहीं मिल पा रही है तो स्टेट में मिलेगी। ऐसे बहुत सारे कॉमन एडमिशन होंगे जो सेंटर से छोड़ के स्टेट में जाएंगे तो सेंट्रल में सीट वैकेंट होगी तो उस टाइम में भी थर्ड काउंसलिंग में भी सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जैसे सर इसके लिए जो चार टाइप की कॉलेजें बताई जा रही है कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटीज है, चार टाइप की यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखी जा रही है, उनमें हम कौन से में पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे एक जो मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी, दूसरा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, तीसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, चौथी डिम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, तो इनमें क्या अंतर है, किसके अंदर अपन पार्टिसिपेट करें और किस में हमको सीट चाहिए, कौन सी बेहतर रहेगी। तो सबसे बेहतर तो वो रहेगी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलनी, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस होती है वो एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होती है, बिल्कुल कम होगी। अगर उससे अगर आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छा बेहतर मिले तो BHU जैसे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो वर्धा के अंदर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्धा है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ आपकी फीस भी बहुत कम रहती है, ये भी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इनकी काउंसलिंग के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पोर्टल आ रहा है उसके अंदर आप जाके इनकी काउंसलिंग में अपनी सीट को फिल कर सकते हैं, जिससे इनकी काउंसलिंग जब सीटें फिल होगी तो यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद में आती है, थर्ड नंबर पे आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार क्या होता है जैसे स्टेट की एक जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके अंडर में बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज आती है, जैसे राजस्थान के अंदर जो बच्चे सोच रहे हैं कि राजस्थान की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, तो राजस्थान में जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर है, वैसे ही जैसे कहीं बच्चा महाराष्ट्र का सोच रहा है तो वहाँ पे भी जो महाराष्ट्र की हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो डिग्री देगी, यूनिवर्सिटी उनकी एक रहेगी लेकिन कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। डिम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके अंदर जो यूनिवर्सिटी खुद अपनी डिग्री देती है अपने नाम पे, जैसे मणिपाल है, मणिपाल अपनी डिग्री अपने नाम पे देगी। इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी है, बहुत सारी लो रैंक भी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपको डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेहतर वाली है जो अच्छी है, जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे है या मणिपाल यूनिवर्सिटी है, अगर ये आपको मिलती है, इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये अगर आपको मिलती है प्रिफ्रेंस के अंदर, तो आप प्राइवेट कॉलेज से अच्छी डिम्ड यूनिवर्सिटी आप पहले प्रिफ्रेंस दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डिम्ड यूनिवर्सिटी बहुत लो कैटेगरी की मिलती है और हमको प्राइवेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसमें लो कैटेगरी की जो मिलेगी उससे अच्छा है डिम्ड यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी आप गवर्नमेंट का सोचिए, जब तक आपका गवर्नमेंट वाला है। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर जो कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन्होंने अपना एडमिशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उनके अंदर जाके आप उसकी वेबसाइट पे, और वहाँ पे कोई से भी स्टेट का बच्चा जिसको वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एडमिशन करवा सकता है, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन खुला है। इसके अलावा कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स 300 से कम मार्क्स हैं, तो 300 से कम मार्क्स हैं उनके थोड़े क्या बिल्कुल ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एडमिशन होने के। अगर 300 से अबव है तो आपको गवर्नमेंट में जैसे कैटेगरी वाइज है तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इससे कम है तो काफ़ी कम है मेडिकल चांसेस। तो कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमको फॉरेन में एडमिशन लेना है तो हम दूसरे देश में जाके क्या करें वहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे एडमिशन जहाँ से आपको ये मेडिकल की MBBS कि अलग अलग मेडिकल कॉलेज MBBS करवाती है, कहीं पे MBBS के नाम से है, कहीं पे डायरेक्ट 7 साल की डिग्री MD दी जाती है, जिसके अंदर से नेपाल, बांग्लादेश, रसिया की कुछ कंट्रीज़ है, फिलीपींस है, इसके अलावा यहाँ पे चेकोस्लाविया, रोमानिया, इनके अंदर ये बहुत सारे नई कंट्रीज़ है जहाँ पे MBBS की करवाई जाती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे MBBS करने से वहाँ की जो मेडिकल फ़ी है वो बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ का जो बाकी एक्सपेंसेज है, लिविंग एक्सपेंसेज है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे जो करना चाहते हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि जो बाहर का सोच रहे जाने का, तो उनके लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आपकी जो मेडिकल कॉलेज जहाँ से भी जिस कंट्री से आप करना चाहते हैं वो मेडिकल कॉलेज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से परमिटेड है या नहीं है, उसे एफिलेटेड है या नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रजिस्टर्ड कर रखी है या नहीं कर रखी है, और उसके बाद में अगर ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, WHO से रजिस्टर्ड है, वो एफिलेटेड है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको उस चीज़ को, उस मेडिकल कॉलेज को चूज करना है। एक बार आप WHO और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है
एमसीआई की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके दोनों पे देखें। अगर आपको वहाँ पे दोनों जगह ये कॉलेज मिलता है तो आप उसको आगे सोच सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद में अगर आप इंडिया के अंदर जब भी वापस आते हैं, जब भी वहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया साल में 2 या 3 बार एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो तक उस एग्ज़ाम के अंदर वो एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अनुमति देगी कि आप MBBS, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सोचिए। और बहुत सारे और बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी हमारे मार्क्स बहुत कम है तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा भी बहुत सारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हम कहीं और मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लें तो उनके अंदर क्या करना चाहिए हमको। तो अब उनके अंदर भी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ICAR अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाता है लेकिन उसका तो अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है और थोड़े दिनों में रजिस्ट्रेशन होने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा कहीं पर आपको लगता है कि जैसे अभी एग्ज़ाम जिनके नहीं हुए हैं तो उनके आप फॉर्म फिल करके आपको जहाँ जहाँ पे हैं अदर ऑप्शन तो उनके अंदर आप जाके प्रिपरेंस दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।